मेरे प्रिय लोगों, मसीह यीशु के पवित्र नाम से आज के दिन आप सभी लोगों को बहुत ही खुशी के साथ, प्यार के साथ बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग एक दूसरे से मिल जो पा रहे हैं, वही बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रतिदिन जब हम शुरू करते हैं, यीशु मसीह के साथ हमें शुरू करना चाहिए, उसी के साथ हमें ख़त्म करना चाहिए, बिस्तर पर जाना चाहिए। आज के दिनों में बहुत सारी परेशानियों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं को हम देख पाते हैं, उसका विरोध करते हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा देखते हैं कि बंधे हुए हैं, हम देख पा रहे हैं। पर जब लगातार एक ही वचन को लेकर मैं प्रचार कर रहा हूँ, उसमें से हर एक शब्द को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं ऐसा करूँ। आज यशया 61:1 प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मनों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, आज जो बताने वाला हूं वो वचन है, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदियों को आप कह सकते हो, मैं एक बॉन्डेज में हूं, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, एक अशुद्ध सोच मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, एक शराब की आदत या एक चेन स्मोकर हूं, स्मोकिंग हैबिट मुझ में है, वह एक बैड हैबिट है, या फिर अक्सर मैं बहुत झूठ बोल देता हूं, वह एक बहुत बुरी गुण है, अगर गुस्सा आ जाए तो तुरंत अपनी पत्नी को मैं मार देता हूं। ऐसे किसी न किसी में आप बंधे हुए हो सकते हैं। यीशु पर ज्यादा भरोसा करता हूं, चाहत रखता हूं, पर एक चीज को देखता हूं तो चोरी कर लेता हूं, एक तरह का बंधन है। ऐसे किसी न किसी चीज में क्या आप बंधे हुए हो, या फिर बहुत दिनों से कर्जे, कष्ट, जब देखो घर में शांति नहीं है, क्या आप ऐसे इन चीजों में बंधे हुए हो? ऐसे बंधे हो कि जैसे कोई रस्सी से बंधा हुआ हो? आप ही के लिए परमेश्वर आज बात कर रहा है, अच्छी तरह समझ जाइए। अभी जो मैं बोल रहा हूं मुझे भूल जाइए, एक ही शब्द, जीपीएस को ब्लस कीजिए, उसकी सेविकाई को आशीष दीजिए, वह काफी है। पर वह वचन देखिए, वह जो बंधे हुओं को कैद से छुटकारा देने वाला अभिषेक, वो बहुत जरूरी है। आज आप बंधे हुए हो, आपको जो है छुटकारा करने वाला है, वह बिल्कुल रस्सियों को खोलने वाला, अगर परमेश्वर ऐसा कहे तो कैसा होगा। एक बार प्रभु जब परमेश्वर के भवन में गया तो वहां पर 18 साल से एक स्त्री, कुबड़ी स्त्री थी। तुरंत यीशु उसको देखकर कहता है, 18 साल से दुष्ट आत्मा ने इसे बंधा हुआ है। तो वह स्त्री जो है सीधी नहीं हो सकती थी, सभी सोचने लगे कि वह उसके रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, पर बात यह है कि उसमें एक दुष्ट आत्मा थी। मैं कहता हूं आज यीशु के नाम से कहता हूं, निराश मत होइए, इस वचन को ऐसी पकड़ लीजिए। यशया 61:1 में कैदियों को छुटकारा करने वाला यहोवा परमेश्वर, मेरे सभी बंधनों को तू तोड़ने वाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो, ऐसा कहकर बोलिए, मेरे प्रभु परमेश्वर, प्यारे प्रभु, चाहे जो भी समस्याएं तेरे बच्चे आज फंसे हुए हों, शैतान की समस्याएं, जादू टोने, ये परिवार कभी समृद्धि ना पाए, आशीष बनकर ना रहे, बच्चे ना रहे, अगली संतति ना आए, ऐसी जो कोई भी समस्याएं तेरे बच्चे फंसे हुए हों, यीशु मसीह के अधिकार भरे नाम से उस बंधन को अभी तोड़ डालते हैं, अभी बंधनों को खोल डालते हैं। प्रभु प्रार्थना सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमेन। मेरे प्रिय लोगों, आपके सारे बंधन टूटने लगे हैं, ठीक है। अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो आप मेरे साथ मिलकर तमिल में, इंग्लिश में, हिंदी में आप अपनी सलाह हमें दे सकते हैं, प्रेयर पॉइंट्स आप भेज सकते हो, हिंदी जो जानते हैं हिंदी में, हिंदी जो जानते हैं हिंदी में हम उनको जवाब देंगे, जो अंग्रेजी में लिखेंगे अंग्रेजी में हम उनको जवाब देंगे, तमिल में जो लिखते हैं तमिल में हम उनको जवाब देंगे, ठीक है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, आपको संभालता रहे, परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे। अगर आप ईमेल के द्वारा हमें संपर्क करें तो हमें बहुत खुशी होगी, gpsrobinson@hotmail.com, उस ईमेल में अगर आप संपर्क करें तो हमें बहुत खुशी होगी। परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालता रहे, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा,
और ऐसे संदेशों को सुनने के लिए, परमेश्वर में आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836-7299546363। हमारा ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दें।